दादाजी खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हें देने के लिए हमारे पास चेंज नहीं है। अरे पैसे तो अब हम देंगे आपको, वो भी खुले नहीं बंदे। अच्छा जॉब लग गया है बैंगलोर में, 18 लाख का पैकेज है और अकोमोडेशन अलग से। अरे दादाजी क्या यार दादाजी, सुबह सुबह पापा जैसा मुखी बनाया हुआ है यार। देखो बेटा खुशी तो है, लेकिन 18 लाख रुपट्टी में आजकल क्या होता है? जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो 50 रुपए तनख्वाह थी हमारी, जो कि आज के जमाने में कम से कम 10 लाख रुपए महीना हो। अरे तुम्हारी दादी को सोने से लाद के रखते थे हम, मोहल्ले से जब भी गुजरती थी तो सब शर्मा इनको लक्ष्मी माता पुकारा करते थे। राम राम राम, कैसा आदमी है ये, दहेज के पीतल के बर्तन तक बेच आया था जब ये दिवाली पर जुए में हार आया था। लक्ष्मी तो मेरा नाम था। कोई नहीं सुनता है तुम्हें वैसे। बेटा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सेवा में यमराज महोदय दिक्पाल, दक्षिण दिशा जन्म मृत्यु विभाग, विषय पुनर्जन्म हेतु आवेदन। ले ये भी रख ले फटाफट। अरे मम्मी ये सब वहीं से ले लूंगा यार। बाहर खाने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी है? वहां ये मोम की परत लगे सेब मिलेंगे डबल रेट पे, और ऐसी बात बात पे तुम्हें 10 लग जाते हैं। दादाजी वहाँ पे पानी सूट नहीं किया था यार, इस बार 5 लीटर की बोतल लेकर रखूंगा, चिंता मत करो। बेटा ऐसा ही चलता रहा ना तो 18 लाख भी कम पड़ जाएंगे। अरे इतनी अच्छी ड्रिंक प्राइम आरओ की सुविधा है तुम्हारे जमाने में, मात्र 333 में एरिया की वाटर क्वालिटी के हिसाब से प्योरीफायर को कस्टमाइज करके देते हैं। 2 पैसे का झंझट नहीं, सिर्फ ऐप डाउनलोड कर। और बेंगलोर के साथ साथ इंडिया के 7 बड़े शहरों में इसकी सेवाएं उपलब्ध हैं। ये पानी को ना तो ओवर प्योरीफाई करता है ना ही अंडर प्योरीफाई। अब बाद में कोई दिक्कत हो गई तो? अरे तो 7 दिन का फ्री ट्रायल ले लो, 0 डिलीवरी और इंस्टॉलेशन, और साथ ही साथ मेंटेनेंस शुल्क भी 0 है। सिंक फीचर है, कंजम्पशन ट्रैक कर सकते हो, और रिचार्ज भी इजिली हो जाएगा। सब यार दादाजी यार, मैं तो सोचता फोन पे आप सिर्फ सैनिक ने सिखाया सबक वीडियोस देखते हो। बेटा हम हमेशा जमाने से एक कदम आगे ही रहे हैं। एक बार किसी ने तालाब में एक गंदी मछली डाल के तालाब को गंदा कर दिया। हाँ। फिर क्या, कब कपाती ठंड में हम उस तालाब में कूद गए। कूद गए? हाँ, उस मछली को बाहर फेंका और फिटकरी से 15 मिनट के अंदर पूरा तालाब साफ कर दिया था। वहां पे आशुतोष नाम का एक लड़का रहा करता, वो हमसे इंस्पायर होके हमसे स्वदेश नाम की एक पिक्चर लिख दी उसने। अरे क्या दादाजी यार, कुछ भी। अरे उधर देखो, तुम्हारी दादी की कसम। राम राम राम, इस आदमी की झूठी कसम के चक्कर में तो मैं 55 में ही चल बसी थी, वरना 20-25 साल तो और जीती ना, मरने के बाद भी चैन नहीं। कुछ का तो दूसरा होने वाला है, और ये हमारा पहला पुनर्जन्म ही नहीं होने दे रहा है। पानी खूब पीते रहना, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता है तुझे जल्दी। डिहाइड्रेशन? एक तो ये रोज नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही हैं, हैं? जरा सा धूप में निकले नहीं कि बेहोश होकर गिर पड़े। अरे एक बार तुम्हारी दादी को प्यास लगी थी, मुझे आज भी याद है। फिर क्या, उनके लिए कुआं खोदा भाई। कुआं खोद दिया आपने? हाँ। आपने कुआं खोद दिया? हाँ। और फिर हमसे इंस्पायर होके एक दशरथ मांझी नाम का इंसान था, उसने पूरा पहाड़ काट दिया। यार दादाजी यार, कुआं खोदेंगे? अरे इनकी माताजी ने एक बार छोटा सा गड्ढा खोदकर तुलसी जी का पौधा लगाने को कहा,
वही चक्कर खा के गिर पड़े। हम खुद इन्हें उठाकर गोद में हॉस्पिटल तक ले गए, वह 3 दिन तक पड़े रहे। तुम्हारी दादी की कसम। हाँ ठीक है, आपका पुनर्जन्म का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ये कैसा फैशन? दादाजी फैशन तो ठीक है, बाहर सर्दी भी तो है। ठीक है। अरे ये ठंड भी कोई ठंड है, हैं? जरा से बादल लगे नहीं कि लग जाते हैं आग तापने, हैं? अरे हमारे गांव में अंटार्कटिका से ज्यादा ठंड पड़ती थी। हाँ पड़ती थी, मैं भी तो था उधर। हाँ। तो हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर मल मूत्र आदि का उत्सर्जन करके हाँ। नदी में 2 घंटा नहाते थे, 2 घंटा। हाँ हाँ, दो, मैं भी तो था। तो ये आइस बकेट चैलेंज और ये कोल्ड शावर, ये सब जो है ये मैं करता हूँ। आपने तो इजाद किया है। हाँ। देखो दादा, अब लपेटना बहुत मुश्किल हो रहा है, चुप रहो। मुझे पता था कि तू नहीं मानेगा। अरे तेरी दादी की कसम। पता नहीं कौन सा झूठ का धतूरा खा लिया था इसने। अरे ये आदमी तो चाहता ही नहीं कि हम वापस दुनिया में आए। एक बार जरा सी ठंड में आंगन से कपड़े उठाने चला गया था, 3 दिन तक चूल्हे के आगे हाथ सांपता रहा, तब जाके इसके दांतों की किट-किट बंद हुई थी और मुंह से कुछ और शब्द निकला था, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। और जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं कुछ, जो इतना सारा सामान लेके जा रहे हो? अरे सिक्योरिटी सुन तो, सिक्योरिटी बस अब कुछ मत फेंकना। अगर आपके दादा भी इससे बड़े लपास थे या है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं थे तो भी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि वो कौन से लपासी पेलते थे, ताकि पता चले कि अल्टीमेट लपास है कौन। और साहब आप लपासी करो, लेकिन अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करो। हमने तो ड्रिंक प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया है 333 में, लेकिन आप इससे भी सस्ते में ले सकते हैं। दिवाली ऑफर पर कोड FLAT300 यूज करें और इनके सभी प्लान्स पे 300 का डिस्काउंट पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अरे कहां जा कर रहे हो? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो द ब्रेंड को।